नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल सतर्क 30 दिन 30 यूनिक केसेस की श्रृंखला में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे देश में कई रीति रिवाज, कल्चर, प्रथाएं और परंपराएं, और इन्हीं में एक रिवाज है दहेज का, जो न सिर्फ कानून और अपराध है बल्कि सामाजिक बुराई भी। पर इसी समाज ने खुले या छुपे तौर पर इस बुराई को मंजूरी दे रखी है। इसके उलट एक और प्रथा है जहाँ दुल्हन की मंडी लगाई जाती है, शादी के नाम पर लड़कियाँ खरीदी और बेची जाती है। ये दोनों ही परंपराएं और प्रथाएं गलत हैं और अमानवीय भी। हमारा संविधान समानता का अधिकार देता है, मगर ऐसी कुरीतियां और प्रथाएं औरत को समाज का हिस्सा नहीं बल्कि एक प्रोडक्ट के तौर पर पेश करती है। अजय, तुमने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? अनिमेशी, क्या कर रहे तुम? अरे मैंने तुझसे बोला था ना कि क्लोज लगा, वाइड नहीं। अच्छा, मतलब ओपनिंग में ही लोकेशन नहीं दिखेगा? अनिमेश, ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हर वीडियो में ना वाइड से ही ओपनिंग हो। इस पर क्लोज लगेगा बिकॉज इमोशन पे फोकस है। मैं बता चुकी हूँ ना तुझे, प्लीज क्लोज लगा। ओके। कहाँ हो तुम? बहुत सही मौका है आज। गाइस, हुआ फाइनल? कैसे फाइनल होगा, 3-4 बार एडिट कर चुका हूँ पर ये मैडम को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। 4 या 4,000 बार एडिट करने से ना कुछ नहीं होता निमेश। जैसा वीडियो मैंने सोचा जब तक मुझे वैसा नहीं मिलता ना, तुझे एडिट करते रहना पड़ेगा। अच्छा, मतलब झक मार के इधर बैठू मैं सुबह तक? तुझे बोल रही हूँ ना मैं करने के लिए, तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये हर बार क्या इसका यार? गाइस प्लीज, तुम दोनों शांत हो जाओ। ये क्या बोल रहे हो? देखता हूँ मैं। ये क्या है, पागल है क्या? झक मारो का मतलब क्या होता है यार? स्नेहा प्लीज जाने दो, तुम यहाँ बैठो और तुम खुद से एडिट कर दो जैसा तुम्हें सही लगे। यस अनिमेश, कौन है अनिमेश? अनिमेश, 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 हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर स्नेहा, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम लोगों को याद था? हाँ मुझे याद था, मतलब हम सबको ही याद था। ये लड़का ना झूठ बोल रहा है, ये सारा प्लान इसी का था, हम बस ना इसकी हेल्प कर रहे थे ताकि प्लान फेल ना हो जाए। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू निमेश। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। इतने रात में कौन आ गए? आ रहा हूं, आ रहा हूं। तुम इस वक्त यहां? देख रहे हो, अभी आई है। हेलो, गुड मॉर्निंग स्नेहा। स्नेहा, तुमने जो मुझे मेल किया था वो प्रोजेक्ट मैंने देखा, स्क्रिप्ट ओके है बट वीडियो तो लगेगा। बिना वीडियो के कुछ हो नहीं पाएगा।
बाबा रघु आप लोग यहाँ? अरे रघु जो लग्न है और भाई के शादी में बहन नहीं आएगी क्या? अरे तीसरा बहन पहला है मैं, और हम लोग इसलिए रुके थे कि भाई तेरे को बोल के जाए, इसको लेके जाना है। चल 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 लौकर तैयारी कर निकाय से। लक्ष्मी तेरे को मालूम था ना ये एक ना एक दिन होने वाला, बक कशाला दुखी होती है तू? तुम कुछ नहीं कर सकते। लक्ष्मी हो सकता तो मैं कर लेता, धंधा पहले जैसा नहीं रहा है, अभी हालत बहुत खराब है। लक्ष्मी लक्ष्मी बेटा हो गया, सर बॉडी के पास एक बैग मिला है, उसमें इसका आधार कार्ड है। कार्ड है? मोबाइल मिला? नहीं सर, फोन नहीं है। बैग मिला, आधार कार्ड है, मोबाइल नहीं। हो सकता है मर्डर करने वाला मोबाइल ले गया होगा, नहीं तो उसने वो डिस्ट्रॉय किया होगा। देखिए हम आपका दुख समझ सकते हैं, ये सही समय नहीं है, लेकिन कुछ सवाल हमें पूछने होंगे। आपकी बेटी कल रात से घर नहीं है, आपको ये बात पता नहीं है? एक्चुअली सर वो हमेशा लेट ही आती थी, उसके पास चाबी रहती थी तो वो दरवाजा खोलती थी और अपने रूम में जाके सोती थी, तो हमें लगा शायद सोई होगी। वो बोल के गई थी कि रात लेट आएगी, शायद नम्रता के घर ही रह जाए। ये नम्रता कौन? उसकी कॉलेज की दोस्त, जिसके साथ मिलकर वो ऑनलाइन वीडियोस बनाती थी। उसकी किसी के साथ दुश्मनी? आपको किसके ऊपर शक? उसका किसके साथ क्या झगड़ा हो सकता है, क्या दुश्मनी हो सकती है सर? आपने आखिरी बार कब देखा था उसको? कल सवेरे 9:15 बजे जब वो घर से निकली थी। मम्मी मुझे रात में थोड़ा लेट हो जाएगा आने में, शायद नम्रता के घर ही रुक जाऊं। ठीक है। उसका एक बैग मिला है जिसमें हमें उसका आधार कार्ड मिला, क्योंकि उसमें मोबाइल नहीं मिला। मोबाइल घर पे छोड़ के गई थी? नहीं घर पे नहीं था, वो मोबाइल साथ लेकर ही गई थी। उसका रूम देख सकते? चलिए चेक करो। पासवर्ड? पासवर्ड नहीं मालूम। साइबर सेल पाठवा और डाटा जल्द से जल्द उसका रिकवर करो। आपके बच्चे का सिर्फ मर्डर नहीं हुआ, उसका रेप भी हुआ है और मारपीट भी हुई थी उसके साथ। उसका कोई बॉयफ्रेंड था? नहीं मालूम। आपकी बेटी कहाँ जाती है, किससे मिलती है, देर रात वापस आती है, आपको कुछ नहीं पता? उसके लाइफ में कोई लड़का था या नहीं ये भी नहीं पता? यहाँ तक कि उसके लैपटॉप का पासवर्ड भी पता नहीं आपको? सर वो इसलिए क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि बच्ची बड़ी हो गई है तो उसके प्राइवेसी में दखलंदाजी नहीं, इसको इग्नोरेंस कहते हैं। बच्चों की सेफ्टी के लिए अगर ये किया जाए तो इसको स्पेस में टांग अड़ाना नहीं कहते। नम्रता? यस सर, क्या बात है? नम्रता कौन है? सर ये मेरा बॉयफ्रेंड अनिमेश है, हम दोनों लिविंग में साथ रहते हैं और साथ में काम भी करते हैं। तुम्हारे दोस्त स्नेहा? जी। उसका मर्डर हुआ है। सर मैं और स्नेहा एक ही कॉलेज से थे, हम दोनों को वीडियो बनाने का शौक था इसलिए हम साथ में काम करने लगे। वो बहुत अच्छी थी और अपने काम में बहुत मेहनती थी। वो तुम्हारे पास कल आई थी ना मिलने को, उसके बाद में वो अपने घर कितने बजे गई? सर वो कल तो आई नहीं, मतलब आने वाली थी लेकिन उसका फोन आया कि वो आ नहीं पाएगी। हमेशा तू बोलती है कि काम फटाफट होना चाहिए और आज फाइनल वीडियो अपलोड करना है और तू बोल रही मैं नहीं आ सकती। एक्चुअली मुझे कोई अर्जेंट काम आ गया है तो पहले वो करना जरूरी है। एक काम करो, वीडियो तुम और अनिमेश मिलके फाइनल कर दो, मैं शाम को आके देख लूंगी। उसने कितने बजे फोन किया था? यही सुबह 9:30 के आसपास। उसने बताया था वो कहाँ जा रही है, किससे मिलने जा रही है? नहीं सर। ऐसा क्या हुआ होगा, वो 9:15 बजे उसके घर से निकली तुम्हारे पास जा रही हूँ बोल के, उसके बाद में 9:30 बजे उसने तुम्हें फिर से फोन किया मैं नहीं आ रही हूँ,
तो 15 से 20 मिनट में ऐसा उसको क्या अर्जेंट काम आया होगा कि उसने झूठ बोला? सर ये मैं कैसे बता सकती हूँ? उसका कोई बॉयफ्रेंड? पता नहीं सर, बट आई डाउट उसका कोई बॉयफ्रेंड भी होगा। ऐसा क्यों? सर वो अपने में ही रहने वाली लड़की है, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। उसको कोई परेशान करने वाला, तकलीफ देने वाला इंसान? सर ऐसे तो मैं किसी को पर्सनली नहीं जानती, पर हाँ सोशल मीडिया पे अलग अलग अकाउंट से लोग उसे बुली करते थे, रेप और मर्डर की धमकी देते थे। सर एक मिनट, हाँ मैं अपने अकाउंट से स्नेहा का प्रोफाइल खोलूँ। सर ये देखिए ये वाला पोस्ट, ऑल मैन आर ट्रैश। कुत्तों को आदमी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, कुत्ते लॉयल होते हैं लेकिन आदमी नहीं। सर डस्टबिन और आदमी में क्या डिफरेंस है? और कोई ये फेमिनिजी किलर के नाम से कि जो लड़कियां रिलेशनशिप में फेल हो जाती है वो सब फेमिनिज्म का झंडा उठा लेती है। लगता है तेरे साथ भी बहुत लोगों ने मजे किया है। मेरे पास आ जा, माँ कसम ऐसे मजे करवाऊंगा कि दिन रात मेरा पैर धो के पिएगी। सर स्नेहा ने भी रिप्लाई किया है कि पहले अपनी सही आईडी बनाकर कमेंट करने की औकात रख, फिर तुझे बताती हूँ कि कैसे मजे करवाती हूँ। सर फिर उसने कमेंट किया है कि जब तक तेरा रेप नहीं होगा तब तक तुझे तेरी औकात पता नहीं चलेगी, टेंशन मत ले मैं जल्दी साबित करूंगा। ये सब फेक अकाउंट से चलते हैं जहाँ से उसको धमकी आ रही है। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, बस देख रहा हूँ। परेशान लग रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं सर। अच्छा तू बता सकता है स्नेहा कहाँ गई होगी? सर अभय के पास ही गई होगी, मतलब वही हमारा कॉमन फ्रेंड है ना। अभय उसका मोबाइल नंबर और एड्रेस देना। सर मुझे कैसे पता होगा वो कहाँ है? वो भी सही है। अच्छा तुम तीनों के अलावा उसका कोई बॉयफ्रेंड, फ्रेंड, कोई दोस्त थे? सर हो सकता है हो और मुझे पता ना हो, क्योंकि सर वो थोड़ी रिजर्व टाइप की रहती थी, अपनी फीलिंग शेयर नहीं करती थी सर। अच्छा अभी वो सोशल मीडिया पे उसको बहुत धमकी आ रही है, रेप थ्रेट्स है, उसके बारे में तो जानता होगा? जी जी सर, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो कुछ फेमिनिस्ट टाइप के पोस्ट डालती थी इसलिए उसे रेप थ्रेट्स मिलते थे। लेकिन सर ये बात मुझे स्नेहा ने नहीं बताई, नम्रता ने बताई थी। ठीक है जाओ तुम, जरूरत पड़ी तो बुलाऊंगा। ठीक है सर। सर अभी तक हमें स्नेहा का फ़ोन नहीं मिला है इसलिए हम उसका सोशल मीडिया अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाए, लेकिन हमारी साइबर टीम पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसे किन अकाउंट से थ्रेट मिल रहे थे। सर जल्दी पता चल जाएगा कि वो कितने लोगों के अकाउंट्स हैं। आखिर स्नेहा के साथ ऐसा क्या हुआ? उसके अतीत में ऐसा क्या था कि उसे मर्दों से नफरत थी? स्नेहा अब तक एक रहस्यमय इंसान की तरह दिखाई दे रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका मिस्टीरियस कैरेक्टर यानी रहस्यमय किरदार ही उसकी मौत की वजह बनी? ये क्या, इतना बड़ा मेले में आपको यही एक मिली? 30,000 मुझे का येणार, ऐसा ही मिलेगा ना। दाद बता। ई कर ई। चलेगी। खाना बनाना आता है तेरे को? क्या है, जल्दी करो ना, बहुत थक गए हैं। तुमको नहीं पसंद तो क्या हुआ, मुझे तो पसंद है। भाई को आई नहीं कि उसके रंग में रंग लिया। दामोदर काका, अरे प्रथमेश, ये लो हाथ में दे। ए लक्ष्मी जा पानी ले जा उसके लिए, जा। बस प्रथमेश अच्छा किया जो अपने रघु का शादी किया। ए पानी दे। आपकी बेटी स्नेहा उस दिन नम्रता के घर नहीं गई थी, आपने झूठ बोला हमसे, कहाँ गई थी वो? वो हमें बता के थोड़ी चाहती थी जो हम आपको कुछ बता सके। उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम था, दुखी थी वो, उसके कलाई के ऊपर 3-3 कट मार्क थे। एक साल पहले उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था ना? वो एक साल पहले का नहीं था, वो तब का था जब वो बोर्ड एग्जाम्स में फेल हुई थी। बहुत डिप्रेस हुई थी वो, बचपन में आके उसने अपनी नस काटने की कोशिश की थी। कोशिश की थी? हेलो, ठीक है हम लोग आ रहे हैं। सर सर हैरानी की बात यह है कि वो सारे अकाउंट एक ही आदमी के हैं। सर डे उसे पुलिस स्टेशन उठा के लाया। वो बस मैं सोशल मीडिया पे ऐसे ही, तेरी दोस्त थी ना वो, अलग अलग नाम से अकाउंट बनाकर रेप थ्रेट देता था ऐसे ही। क्यों सर? बहुत एटीट्यूड था उसमें, किसी भी चीज का सही जवाब नहीं देती थी। जैसा वीडियो मैंने सोचा जब तक मुझे वैसा नहीं मिलता ना तुझे एडिट करते रहना पड़ेगा।
और उसके अंडर काम कर रहा था इसलिए कुछ बोल नहीं पाया। तो खुन्नस निकालने के लिए अलग अलग अकाउंट से उसको धमकी देता था हा? तो हो सकता है तूने उसका रेप और मर्डर भी किया होगा। सर आपके पास कोई सबूत है? चिर के कितने साल से काम करते हो डिपार्टमेंट में, बिना सबूत को उठा रहा है उसको? ए, रुक, किधर जा रहा है? ऑनलाइन धमकी देता था ना, ये सबूत है ना अपने पास? FIR दाखिल करो और ऑनलाइन वुमेन अब्यूजिंग वुमेन सेल में इसके खिलाफ कंप्लेंट करो। चारों तरफ से बैंड बजाता हूँ तेरी। बहुत एटीट्यूड है ना, बहुत आखड़ है ना तेरे को। चिर के इसको अंदर करो। सर मैंने कुछ किया ही नहीं। सर सबूत अंकिता, अंकिता जी, खाना गिरा है यहाँ पे, साफ कर लेना। सर स्नेहा का फोन 11 मार्च को शाम 4 बजे इस लोकेशन पे स्विच ऑफ हुआ था और उसके पहले उसका फोन दोपहर 12 बजे से शाम के 4 बजे तक इस लोकेशन पे अलग अलग जगह एक्टिव दिखा रहा है। एक बात समझ में नहीं आ रही सिरके, स्नेहा मीरा रोड से इतनी दूर पालघर में क्या करने आई थी? सर स्नेहा के फोन लोकेशन के हिसाब से वो पिछले एक महीने में 4-5 बार पालघर आ जा चुकी है और हर बार उसके फोन की लोकेशन इस जगह पे अलग अलग जगह दिखा रही। देखो उसका मोबाइल यहाँ स्विच ऑफ हुआ शाम 4 बजे, उसका मर्डर हुआ रात 8-9 के बीच में, तो यहाँ उसका मर्डर किया और उसकी बॉडी मीरा रोड में डंप की। या ऐसा भी हो सकता है कि उसको उधर ही मारा गया होगा। हो सकता है सर, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि स्नेहा का पालघर से क्या कनेक्शन है। तृप्ति और शिर के एक काम करो सर, 11 तारीख को मीरा रोड से पालघर और पालघर से मीरा रोड जाने वाले सारे रास्ते का सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। ठीक है सर। देखो कोई सस्पिशियस व्हीकल मिलती है या किसी व्हीकल से स्नेहा ट्रैवल कर रही है क्या? और एक काम करना सर, यहाँ आसपास सर्च करो मोबाइल मिलता है क्या सर। इस एरिया का 11 तारीख का शाम 4 बजे का डम्प डाटा कलेक्ट करो, देखो कोई सस्पिशियस कॉल एक्टिव था क्या, और आसपास के गाँव वालों से पूछताछ करो। जी। इस लड़की को कहीं देखा है आपने? मैडम स्नेहा की फैमिली 6 महीने पहले यहाँ शिफ्ट हुई है। बहुत ही अजीब लोग हैं, ना किसी से कोई बातचीत ना दोस्ती, बस अपने में ही रहते हैं। कहाँ से शिफ्ट हुए ये लोग? शायद मुलुंड से। स्नेहा पिछले 1 महीने से पालघर जा रही थी, किस लिए जा रही थी कुछ बोला उसने? सर उसने मुझे कभी भी नहीं बताया कि वो पालघर जाती है या वहाँ से उसका कोई कनेक्शन है। अच्छा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड एनिमेश है ना, उसके बारे में तो जानते होगी सब, खुंसी टाइप का है। उसने स्नेहा को सोशल मीडिया से रेप थ्रेट दिया था। तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अनिमेश फेक अकाउंट बना के स्नेहा को धमकी देता है। अच्छा ये बात बताओ, उसको मर्दों से इतनी नफरत क्यों थी? उसके साथ कुछ गलत हुआ था क्या? नहीं पता सर। उसके फैमिली के बारे में बताया था उसने कुछ? नहीं सर, मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो यहाँ से अब्रॉड जाना चाहती है कैसे भी करके। क्यों क्यों पता नहीं सर, पर जब पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में उसका एंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ था तो वो बहुत डिप्रेस हो गई थी। वो बस मुंबई छोड़कर जाना चाहती थी, उसका यहाँ दम घुटता था और वो बहुत डेस्परेट थी जाने के लिए। हाँ साहब, आपसे पहले स्नेहा की फैमिली यहाँ पर रहती थी, बता सकते हैं उस फैमिली के बारे में? हाँ साहब, अनिल मेरा दोस्त था, एक दिन बोला मकान बेचना है, मार्केट रेट से भी कम पैसे में दे रहे थे तो मैंने ले लिया। ऐसा क्या हुआ कि मार्केट रेट से कम पैसे में देके गए? ये मकान देख रहे हैं आप? चुप करा ना उसको, कब से रो रही हो? जब से मेरा रेप हुआ है मुझे आदमियों से डर लगने लगा है। मेरी फैमिली तो ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे जैसे दीदी के हस्बैंड राहुल ने मेरा रेप नहीं किया है, जैसे कि मैंने ही कुछ कर दिया है। देखिए सर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, स्नेहा की मेंटल कंडीशन स्टेबल नहीं थी, वो कुछ भी सोचती थी कुछ भी इमेजिन करती थी। और तू बाप नहीं है? अरे जिसने रेप किया है उसको बचाने के लिए अपने खुद के बेटी को बदनाम कर रहा है? तुम सब लोग झूठ बोल रहे हो, ये क्या बकवास कर रहे हो आप?
आवाज नीचे, समझा? 10 तारीख की रात को तेरे पास आई थी ना वो? नहीं, ये लोग मुलुंड से मीरा रोड शिफ्ट होने के बाद मैं उसे कभी मिला नहीं। ए चुप, झूठ नहीं बोलने का। मोहन तेरा पड़ोसी सब कुछ बताया उसने, उस रात क्या हुआ था। इतने रात में कौन आ गया? तुम यहाँ क्या लेने आई हो? लेने नहीं आई, बताने आई हूँ। तुम्हारी वजह से आज भी मैं बहू और नहीं कर पाई। क्या बकवास कर रही हो तुम? क्योंकि तुम्हारी वजह से डरती हूँ मैं सब लड़कों से। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो और इतना चिल्ला क्यों रही हो? दीदी, कम से कम आप तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं सच में झूठ नहीं बोल रही हूँ। इस आदमी ने मेरे साथ, तूने दारू पी रखी है तो अभी घर जा। दीदी आपको पता है इस आदमी ने मेरा रेप करने की कोशिश की। चुप कर, बेशरम कहेगी, निकल जा यहाँ से। तूने जो मेरे साथ किया है ना उसका बदला मैं लेकर रहूंगी। तू वो जिस रात तेरे पास आई, तेरे साथ कन्फ्रंट किया, धमकी दी, उसके दूसरी रात उसका मर्डर हुआ। मर्डर है ना, तूने रेप भी किया उसके साथ। ये आप जो कुछ बोल रहे हो उसका सबूत है आपके पास? साबित कर सकते हो आप? सबूत चाहिए तेरे को? स्नेहा का वीडियो और पड़ोसियों के बयान के आधार पर रेप चार्ज लगाओ इसके ऊपर। अपनों ने साथ नहीं दिया तो क्या हुआ? लॉ एंड ऑर्डर तो है, मरने के बाद ही सही। स्नेहा को इंसाफ जरूर दिलाएंगे। चल, तुम लोग का क्या है? चाय मंगाओ, चलो निकलो। एक सताई हुई लड़की जो पिछले काफी वक्त से डिप्रेशन में थी, उसका साथ देने की बजाय उसके घर वाले उस पर कीचड़ उछालते हैं। आखिर क्यों? ये अफसोस की बात है लेकिन सच है कि हर दूसरे घर में लड़कियां और औरतें इसी तरह अत्याचार का शिकार होती हैं। कहीं स्नेहा की मौत की वजह सोशल मीडिया पर डाला गया उसका पोस्ट तो नहीं? कहीं खुद उसके माँ बाप ही उसके कातिल तो नहीं? या फिर इस कत्ल के तार पालघर से जुड़े हैं? पालघर से कॉल आया था, स्नेहा का कॉल था। लेकिन तुम्हें तो पता है बर्थडे पार्टी के बाद तू स्नेहा से ना तो मिला है ना तो बात हुई। झूठ बोला था हमसे? सर मैं झूठ क्यों बोलूंगा सर आपसे? सर स्नेहा ने मुझे कोई कॉल नहीं किया और ये सर ये नंबर स्नेहा का नहीं है सर। और वो तो हमें भी पता है वो स्नेहा का नंबर नहीं है, अननोन नंबर है वो। लेकिन ये कॉल उसी दिन आया पालघर से जिस दिन स्नेहा पालघर में थी, और स्नेहा का फोन तो बंद था, और तेरा कोई जान पहचान वाला भी पालघर में नहीं रहता है। किसने किया था कॉल? सर मुझे कैसे? एक मिनट सर, मैं चेक करता हूँ सर। सर सॉरी सर, सर आया है सर, इस नंबर से कॉल आया। गुड, याद आया सर। सर मेरी बात हुई थी इस नंबर से सर। हेलो हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो सर, मुझे बस इतना समझ में आया कि किसी लड़की की आवाज़ है। नेटवर्क इशू की वजह से मैं समझ नहीं पाया, शायद इसने हो सकती थी। मैंने सोचा सर कोई रैंडम कॉल है ऐसी। एक बात समझ में नहीं आ रही है, सब कुछ पालघर में क्यों हुआ और उसकी बॉडी हमें मीरा रोड में क्यों हुई? जरा पता करो, अपने खबरियों को अलर्ट कर दो, शायद हमारे हाथ कुछ लगे। ठीक है सर। और हाँ, उसके माँ बाप जीजा जी और बहन उसके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकलवाओ। और एक बात पता करो, पालघर से अभय को जो कॉल आया था वो किसका था, ट्रैक करना जरा। तब तक इस सोनिया मैडम से बात करते हैं। ठीक है सर। ये लड़की को देखा? सोनिया मैडम, आप स्नेहा की किस तरह से मदद करने वाली थी? सर स्नेहा बहुत ही टैलेंटेड लड़की थी और उसे फिल्म मेकिंग में काफ़ी दिलचस्पी भी थी। पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन नहीं हो पाया और जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने उसे सजेस्ट किया कि बॉस्टन में एक फिल्म स्कूल है, वहाँ पर सोशल वर्क के कोटे के थ्रू उसे स्कॉलरशिप मिल सकती है। बस स्नेहा उसी के काम में लग गई। कैसा काम? ये लड़की को देखा? अरे साहब, मेरे को क्यों मारा? मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया तो भाग क्यों रहा था? वो मैं डर गया था साहब आप लोगों को देख के। कड़े फोटो दिखाओ जरा। इस लड़की को देखा है ना तूने? ये मैडम उस दिन ऑटो में आके बैठी और बोली चलो पालघर जाने का है। पालघर में किधर? सर महाराष्ट्र में ऐसे कई समाज हैं
जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की प्रथा है। लड़कियों को शादी के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर लड़की के घर वाले ही बेच खरीद देते हैं। साल में 3 बार मेले लगते हैं ऐसे दुल्हनों की, एक्चुअली नाम की दुल्हन मंडी लगती है औरतों की, जहाँ बाप या भाई खुद ही अपनी बहन और बेटियों को बेचने के लिए लाते हैं और खरीदने वाला वहाँ अपने बजट के हिसाब से लड़कियाँ खरीदते हैं। सर, शादियों का कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है जो कि महीनों से लेके साल भर तक का होता है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पे अगर कॉन्ट्रैक्ट रेन्यू नहीं हो पाता तो लड़की के ही घर वाले शादी के नाम पे उसे किसी और को बेच देते हैं। जो औरत जितने ज्यादा आदमियों के पास रह कर आती है उसकी कीमत और बढ़ती है, और अगर बच्चा है तो उसकी कीमत और ज्यादा बढ़ जाती है। सर, स्नेहा बॉस्टन फिल्म स्कूल में स्कॉलरशिप के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस पर ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रही थी। अरे कैसी प्रथा है जहाँ औरतों को जानवरों की तरह बेचा जाता है? सर, ये प्रथा तो सदियों से चली आ रही है और ये लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी हैं। बाहरी दखल तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करते, फिर स्नेहा कैसे डॉक्यूमेंट्री बना रही थी उनके ऊपर? सर, उसने कई औरतों से बात की थी और ये पता चला कि वहाँ की औरतें और लड़कियाँ इस प्रथा से छुटकारा पाना चाहती है, मगर समाज के डर से वो कभी कुछ बोल ही नहीं पाई और ना ही उनके खिलाफ आवाज उठा पाई। और हाँ सर, स्नेहा ने मुझे ये बताया था कि एक औरत बाइट देने के लिए रेडी भी हो गई है और वो उसे मिलने भी जाने वाली थी। कौन औरत थी? नाम तो उसने मुझे बताया नहीं, पर स्नेहा उसे मिलने जाने वाली थी और उसके बाद तो स्नेहा का कोई कॉल भी नहीं आया। शंकर है सर, स्नेहा को पालकर यही लेकर आया जाया करता था। बोलो। साहब, मैं मीरा रोड से पालकर ऑटो चलाता था, उधर का सब मालूम आता है ना अपने को। एक दिन वो मैडम मेरे ऑटो में आकर बैठी। एक नागरिक चल भाड़ा रहता था। कहाँ जाना है मैडम? वो यहाँ गांव में कोई दुल्हन वाला मेला लगता है ना? हाँ लगता है, अभी लगा हुआ है। हाँ बस वही जाना है। क्यों, क्या करना है वहाँ पे? शूटिंग करेंगे। अरे मैडम बहुत खतरनाक लोग हैं वो, बाहर वाले आदमी को एंट्री नहीं है वहाँ पे। अगर अंदर वाला बनकर जाएंगे तो 75,000, 80,000, 90,000। वो गांव वाली लड़की जैसे रहती है ना वैसे कपड़े सर वो मैडम ने घर से ही लेके आई थी और मेरे को बोली साहब मैं तेरे को रोज का 1,000 रुपया दूंगी, खाली तुमको मेरा बाप बनने का है। तो वो 1,000 रुपये सुना तो मैं भी साहब लालच में आ गया। तो मैं हो मटला सर। आओ काका, कहाँ से आए? यहाँ के तो लग नहीं रहे। वो हम लोग नांदेड़ से है, मुंबई में काम करते हैं, लेकिन काम बंद हो गया ना तो नांदेड़ जा नहीं सकते। सोचा कि लड़के की शादी कर दूँ तो यहाँ पे चले आए। ये मेरी लड़की है, देखो ये कुछ हो सकता है तो। ठीक है ठीक है, देख लो कोई ग्राहक मिल जाए तो। जी जाओ जाओ अंदर जाओ। चलो बेटी देख लो, वो काका बगा मुलगी बगा ये बगा। मैडम जल्दी करो, किसी को समझ में आया ना मार डालेंगे ये लोग, बहुत खतरनाक है। और काका बिकी की नहीं लड़की, कोई ग्राहक आया कि नहीं? आए थे, 2-4 लोग आए थे, लेकिन ठीक से पैसे नहीं बोल रहे थे। तेरी लड़की तो बहुत खूबसूरत है, 50,000 ले वो तू मुझे दे दे। नहीं 50,000 मुंबई में रह के आई है लड़की, 50,000 कैसे, 1,00,000 तो लगेंगे ना कम से कम। अरे 1,00,000 पे तो कोई भी लड़की जिंदगी भर के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाएगी। हम सर 2-4 दिन वहाँ पे गए साहब, मैडम को वीडियो बनाने का था लेकिन वो ठीक से बना नहीं पा रही थी साहब। क्या है वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और वो सबकी नज़र हमारे तरफ थी साहब, हम उस गांव के नहीं थे ना साहब। फिर एक दिन हम वहाँ पे गए तो 75,001 कोई है क्या? 75,002, 75,003। अरे वाह वाह, इसे कहते हैं मर्द। बाबा बाबा मैं शरद से बोलूंगी, वो आपके पैसे दे देगा। ये कपे वो भिखारी कहाँ से पैसा लाएगा? बाबा मैं आपके हाथ जोड़ आपके पैर पड़ती हूँ बाबा। ये रोना सोना बंद कर, तू अच्छी तरह से जानती है तेरी शादी नहीं होगी तो रघु का लग्न कैसे होना, और इसके दुल्हन खरीदने के लिए मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा? ए प्रथमेश चल सौदा पक्का हो गया, लेके जैसे चल। अरे काका कौन सी जल्दबाजी अपने को, वा पहला रघु का शादी होने दो, बाद में इसे लेके जाएंगे, पहला पावती फाड़ लो। हाँ एकदम बोले ला, पहला पावती कपली भाई लो, पैसा गिर लो। राजा
सुनो, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरी मदद? हाँ, बस उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम। क्या चल रहा है? हाँ, तू वही लड़की है ना जो मुंबई से आई है? तेरा बाप 1 लाख रुपया मांग रहा है। क्या क्या हुआ? क्या ये मेरी बेटी है? तुम्हारी लड़की बिकी नहीं क्या अभी तक? ठीक से भाव नहीं मिलता तो क्या करूं मैं? रुको, आई चल रहे। क्या हुआ रे? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं बाबा, इन लोग का रोज का है। दोनों बाप बेटी इधर मेले में आते हैं, पावती कटाते नहीं है। पता नहीं अभी दीदी से क्या बात कर रही थी। मेरे बेटे के साथ क्या बोल रही थी ये? क्या बात कर रही थी? हमारा यहाँ पे आने से आपको दिक्कत है तो? अरे दिक्कत ही है ना, ये तक कैसे लेकर है? अरे जा रहे हैं भाई। जा जा, चल चल बेटी, चल चल। परत जर इथे दिसला असला तर तंगड्या मोडून सांगून ठेवतो तुला, परत इकडे यायचं नाही। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे वहाँ से। फिर मैडम मेरे पास में आकर बोली कि अगले दिन अपने को गोविंदपुर जाना है, 3 बजे औरत अपने को मिलने वाली है। 2 बजे मेरे पास में आई, 1:30-2 बजे शायद। क्या है कि वो लोग हमको पहचानने लग गए थे, वापस जाते थे तो मार ही डालते थे साहब। तुमने ना ही मतलब साहब करना तो तू नहीं गया सर? नहीं। क्या नाम क्या बोला गाँव का? गोविंदपुर। जरा सोचिए, एक ऐसी प्रथा है कि जानवरों की तरह से औरतों को खरीदा बेचा जाता है, छेड़छाड़ की वजह से हुई थी। इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पुलिस टीम गोविंदपुर गांव जा पहुंची। साहब, वो मुंबई वाली लड़की को मेले में देखा था लोगों ने, लोगों ने तीचर से शकाला तत्ती, वो भाग गई यहाँ से। हमें पता है स्नेहा लक्ष्मी से मिलने आई थी यहाँ, और उसका मर्डर जो हुआ है गाँव के झगड़े के बाद ही हुआ है। लक्ष्मी को बुलाओ, बात करेंगे, निकल जाएंगे। कहाँ से बुलाओ साहब उसको, कहाँ से बुलाओ? एक तो नाक काट के भाग गई वो हमारी। भाग गई? हाँ, किसके साथ? मालूम नहीं, तो समाजात तोंड दाखवायच्या लायकीचं सोडलं नाही आम्हाला। आपको तो आपकी इज्जत की पड़ी है, मेरे 75,000 का क्या, वो कौन देगा? देखो लक्ष्मी यहाँ नहीं, आप चुपचाप यहाँ से जाओ, और अगर लक्ष्मी आपको मिलती है ना तो उसको फांसी पे चढ़ाओ, गाड़ो, कुछ करना है वो करो, लेकिन आप यहाँ से चलो। गाँव वालों को पता चला तो छोड़ेंगे नहीं, और लक्ष्मी हमारे गाँव का समाज का हिस्सा नहीं है। सर चलते हैं, बाद में देखेंगे। साहब मैं और लक्ष्मी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे साहब, पैसा होता तो कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाते। प्रथमेश को मेरी बेटी और लक्ष्मी को ले जाने ही नहीं देते साहब। लक्ष्मी अगर तेरे साथ प्यार करती है तो वो प्रथमेश के पास से दूसरे लड़के के साथ क्यों भाग गई? तेरे पास आनी चाहिए थी ना। लक्ष्मी भागी नहीं है, वो उसको मारता था, लक्ष्मी खुद बताए मेरे को। हेलो हेलो शरद, शरद ये आदमी जल्लाद है, ये मुझे और तुम्हारी बेटी को मार डालेगा। तुम हमें यहाँ से ले चलो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। लक्ष्मी मेरे पास पैसे होते तो तुझे जाने देता क्या मैं? ए, किससे बात कर रही है तू? तेरे यार के साथ? मैंने वो लक्ष्मी की चीख सुनी है साहब, क्या बताऊं आपको, रात भर सो नहीं पाया हूं मैं। सुबह उठकर मैं प्रथमेश के वहां पर गया तो प्रथमेश ने लक्ष्मी से मिलने से इनकार कर दिया। बाद में बोल दिया कि वो किसी के साथ भाग गई है। मैंने दामोदर काका को बोला भी कि प्रथमेश ने लक्ष्मी को कुछ किया है, लेकिन दामोदर काका को तो अपनी नुकसान की पड़ी थी, उनको दुख था उसका। वो सर वो चीख उसकी रिकॉर्डिंग सर मेरे मोबाइल में, आपको सुनना है सर। फाइल खोल वो है ना, लक्ष्मी की चीख सुनो साहब, आपको मालूम पड़ जाएगा ये प्रथमेश ने लक्ष्मी को कुछ किया। सब मैंने कुछ नहीं किया साहब, वो लक्ष्मी तो गलती से मर गई साहब। साहब मैं जब भी घर जाता था तो उसका प्रेमी शरद के साथ फोन पे बात करती बैठती थी, क्योंकि पहले भी उसने एक बार कोशिश की थी उस शहर के लड़की के साथ भागने की, तो फिर गांव वालों ने मान लिया कि वो भाग गई होगी। शहर की लड़की स्नेहा? नाम तो पता नहीं मुझे, लेकिन वो दोनों जब भाग रहे थे ना, दामोदर और रघु ने उनको पकड़ा था। तुम्हें बैठने को आया है? तुम दोनों बाप बेटे ने हमको झूठ क्यों बोला? लक्ष्मी और स्नेहा भाग गए, असल में लक्ष्मी और स्नेहा दोनों को तुमने पकड़ा था, लक्ष्मी को प्रथमेश के पास भेज दिया और स्नेहा का मर्डर किया। नहीं साहब, वो लड़की हमारे प्रथा के बारे में गलत बोल रही थी जो सालों से चली आ रही है, पर लक्ष्मी को भी भड़का रही थी वो। लक्ष्मी तुम मुझे इस प्रथा मेला और तुम लोगों पे हो रहे सारे अत्याचारों के बारे में सब कुछ बताओगी, ठीक है? मैं इसको ना फोन पे रिकॉर्ड करूंगी और पुलिस को दिखाऊंगी जाके, पुलिस आएगी और तुम लोगों को बचा लेगी। बोल। शादी और प्रथा के नाम पे ये गांव वाले हम औरतों को बेचते हैं। पहले मुझे शरद ने खरीदा था, पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और नया बनाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो मेरे बाबा ने मुझे प्रथमेश को बेच दिया। ये कोई एक आदमी नहीं, ये पूरा समाज मिलकर हम औरतों पे ये अत्याचार करता है। ए,
तू वो मुंबई वाली लड़की है ना? तुम घबराओ नहीं, मैं वापस आऊंगी। हाँ बिल्कुल घबराना नहीं, मुझे जाके पुलिस को दिखाना बहुत जरूरी है, ठीक है? ए शीतल, शीतल उसको पकड़, पकड़ उसको। लक्ष्मी ने बाद में बताया साहब कि उसके पास गांव के बारे में कोई वीडियो थी। मैंने खुद उसका फोन चेक किया था, उसके फोन में कुछ नहीं था साहब। मैं खुद उसका मोबाइल तोड़ा है। हम दोनों ने कुछ नहीं किया साहब। सर एक मिनट, सर पालघर से अभय को जिस नंबर से कॉल किया था उस नंबर का पता चल गया है, और उसके पास हमारी एक टीम रुकी हुई है। शिरके साहब, वो लड़की को बहुत चोट आई हुई थी, उसके कपड़े भी गंदे हुए थे। ये पीछे रास्ता गया था ना साहब, यहीं पे मुझे मिली थी वो। साहब उसके पास एक मेमोरी कार्ड था, वो मेरा फोन मांगी, अपना कार्ड डाल के किसी को तो फोन की, बाद में अपना कार्ड निकाल के रख लिया और मेरा फोन मुझे वापस दे दिया उसने। डिटेल्स ढूंढते हैं सर। ठीक है, आप नंबर बोलो। सर मैंने पालघर से मीरा रोड और मीरा रोड से पालघर आने जाने वाले रास्ते पे जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं सबका फुटेज चेक किया सर। सर एक गाड़ी का मालिक ऐसा मिला है जिसका कनेक्शन हमारे इस केस के सस्पेक्ट से है। कौन है? सर गाड़ी तो मेरी है, लेकिन सर उस रात मैं लेकर नहीं गया था गाड़ी। और हाँ सर, उस रात फोन आया था इसने आकर मेरे नंबर पर। हेलो, तूने स्नेहा का रेप करके उसका मर्डर किया ना? ठीक है, ठीक है। देख यही गाड़ी लेके गया था ना कमल की, तू बोल। चल शुरू हो। स्नेहा ने कॉल किया था सर मुझे दूसरे नंबर से, आवाज साफ नहीं आ रही, तो तीसरी बार उसने मेरे रूममेट कमल के फोन पे फोन किया। हेलो हेलो अबे यार, मैं एक डॉक्यूमेंट्री के लिए यहाँ पालघर आई हुई थी, यहाँ के गांव वालों ने मुझ पर अटैक कर दिया यार, मुझे बहुत मारा, मैं जैसे तैसे बाहर बच के निकली हूँ। क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। थैंक गॉड तुम ठीक हो यार, मैं तो टेंशन में आ गया था। तो अब तो तुम्हें बॉस्टन का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तुम हमारे फ्यूचर के बारे में सोच सकते हो। नहीं कोई प्लान कैंसिल नहीं हुआ है। किसने कहा डॉक्यूमेंट्री का प्लान कैंसिल हो गया है? उनके फ़ोन तोड़ने से पहले ही मैंने अपना मेमोरी कार्ड निकाल लिया था। यार तुम हमेशा अपने बारे में सोचती हो, तुमने कभी सोचा है तुम अमेरिका चले जाओगे तो मेरा क्या होगा यहाँ अकेले? अबे प्लीज, तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो, दोस्त हो, और मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं बनी रह सकती हमेशा, चाहे मैं बॉस्टन जाऊं या नहीं। यार तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम्हारे लिए सारे काम धाम छोड़ के फालतू के वीडियोस बना रहा, और तुम वो तुम अपनी मर्जी से बनाते थे। अबे तुम मेरे दोस्त हो अबे, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया था, लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। एनीवे थैंक यू अबे, मैं किसी और को कॉल कर लूंगी। एक मिनट सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भूल गया था कि तुम सिर्फ मेरे दोस्त। एक काम करो, तुम मुझे बताओ पालघर में कहाँ हो तुम, मैं तुम्हें लेना आता। मैं बहुत गुस्से में था सर, मेरी वैल्यू उसके नजर में एक डॉक्यूमेंट्री से भी कम थी। सर मैं पार्टी के बाद उसे अपनी बाइक में उसे घर छोड़ने गया था। यहाँ देखो मुझे तुम्हारे पास से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम हमारे रिश्ते के बारे में सोचो। ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं चाहती कि मेरी परेशानियां मैं तुम पे डालूं। प्लीज अबे ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। एक बार फिर सोच लो इसने, कहीं तुम अपने पास के चक्कर में अपना प्रेजेंट और फ्यूचर ना खराब कर दो। अबे तुम सच में बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम जैसा सोच रहे हो वैसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरी किस्मत में यहाँ रहना नहीं लिखा हुआ है, वो मैं फिल्म मेकिंग का कोर्स करने के लिए बॉस्टन जाने की प्लानिंग कर रही हूँ। गुड नाइट। मैंने करण से उसकी गाड़ी ली और अपना फोन जानबूझकर घर पे छोड़ दिया। पालघर पहुंचा तो मैंने देखा उसे चोट लगी हुई थी। तेरे जैसे प्रेमी को ना उल्टा लटका के नीचे से मिर्ची देनी चाहिए, तो दिखा अभी जिंदगी भर मर्दानगी, सड़ जेल में। आदमी का अहम जब औरतों को काबू नहीं कर सकता तो फिर वो उसका वजूद मिटा देता है। सिर्फ कड़े कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि समाज और लड़कों को न सिर्फ जागरूक करना होगा बल्कि उन्हें सही तालीम देनी होगी, वरना लड़कियां तो शिकार होती रहेंगी पर लड़के भी अपराधी बनते रहेंगे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.